नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए विषय पर चलते हैं दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी आग्नेय कोण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आग्नेय कोण क्या है, आग्नेय कोण किस किस विषय का प्रतिनिधित्व करता है, क्या क्या प्रदान करने की क्षमता रखता है, और अगर इस क्षेत्र में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाए, खासकर टॉयलेट का निर्माण हो जाए, तो क्या क्या परिणाम सामने उत्पन्न हो सकते हैं जानेंगे। दोस्तों, प्रकृति, हमारा शरीर, हमारी वास्तु, सभी पांच तत्वों जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश के सही मिश्रण पर आधारित है। किसी भी तत्व की न्यूनता या अधिकता परेशानी उत्पन्न करती है। वास्तु के अंदर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तत्वों की उपलब्धता है। जैसे हम आज आग्नेय कोण के बारे में बात कर रहे हैं, आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर, जहां पर अग्नि तत्व की प्रधानता है। यह जीवन में ऊर्जा व तेज देने वाली है। अग्नि भोजन को पकाने व पचाने में महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां पर रसोई घर का निर्माण करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। यह क्षेत्र महिलाओं का स्वास्थ्य, सुंदरता, शक्ति, नकद, धन प्रवाह, बैंक बैलेंस, कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी, धन धान्य, सुख समृद्धि, सफलता, तेज, आक्रामकता, आरोग्य वृद्धि की कारक दिशा है, जो जीवन में सबसे जरूरी है। लेकिन किसी कारणवश हम यहाँ पर अगर जल या शौचालय को निर्मित कर लेते हैं या जल को ले आते हैं, तो इस क्षेत्र में यह एक सबसे बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र अग्नि तत्व का है और अग्नि व जल में आपस में शत्रुता है। जल अग्नि को खत्म करता है। यही अग्नि जीवन में कैश फ्लो, धन धान्य, स्वास्थ्य देने वाली है। दूसरा, यह क्षेत्र भी नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण की तरह ही पूजनीय है। यहाँ पर शुक्र ग्रह और गुरु शुक्राचार्य हैं, जो धन, सुख, समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। शौचालय की गंदगी इस क्षेत्र को दूषित करती है। जल से अग्नि खत्म होने से जातक का पाचन तंत्र, धन प्रवाह, ऊर्जा, तेज, स्वास्थ्य खत्म होने लगता है। धन की प्राप्ति का ना होना या इनकम से ज़्यादा खर्चे, बीमारियों पर ज़्यादा खर्चों से व्यक्ति कर्जे में आ जाता है, जिस कारण व्यक्ति चारों ओर से परेशान होने लगता है। केवल एक दोष यहाँ पर उत्पन्न होने से, शौचालय बनाने से, जल लाने से जातक परेशान हो जाता है। बिना धन जीवन व्यर्थ है, इसलिए अगर जाने अनजाने यहाँ टॉयलेट का निर्माण हुआ है तो उसे तुरंत यहाँ से हटाएं। अगर हटाना संभव न हो तो उसे उपचारित कर इस क्षेत्र की ऊर्जा को बनाएं। यहाँ से जल और जल को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ों और रंगों को हटाकर सुख प्राप्त करें। जीवन में अग्नि तत्व का होना जरूरी है। अग्नि का क्षेत्र जितना ज़्यादा बैलेंस होगा, उतना ही आपको धन धान्य, सुख स्वास्थ्य की प्राप्ति होकर शुभत्व प्राप्त होगा। आप स्वयं भी इसे जाँच लें। अगर ऐसा कोई वास्तु का दोष है तो किसी वास्तुविद से परामर्श कर इसे सही व उपचारित कर धन लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।